हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। ठीक है सो गाइस, इसके पहले मैंने आपको एक वीकली प्लान दिया था क्लास टेंथ के बच्चों के लिए, जो प्लानिंग थी अक्टूबर 8 से लेके अक्टूबर 14 तक की, मतलब अक्टूबर 8 से अक्टूबर 14 तक की, मतलब ये वाली प्लानिंग होगी। इसके पहले अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 7 तक की पूरी प्लानिंग थी वो। आई होप आपने उस प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया होगा। गाइज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताओगे कि कितने बच्चों ने उसको सक्सेसफुली फॉलो किया है। उस वीकली प्लान के अकॉर्डिंग आप सबके टोटल 8 से 9 चैप्टर हो जाने चाहिए सारे सब्जेक्ट का मिला करके। ठीक है, हमने साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के हमने एक एक चैप्टर सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हमने मैथ्स 1 का सक्सेसफुली कवर कर लिया है। अब हमारा मैथ्स 2 का आज यहाँ पे हम बहुत कुछ ख़त्म कर रहे होंगे, तो ये वीकली प्लान में आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा गाइज। यू विल नॉट बिलीव यार कि हम ना अगर इस तरीके से पढ़ते रहे ना तो मैक्सिमम 1.5 महीने में रिवीजन के साथ सब कुछ पढ़ के हो जाएगा। लेकिन हाँ, 4 से 5 घंटे दिन की सेल्फ स्टडी में आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीकली प्लान जो मैंने पहला बताया था ना, फर्स्ट वाला, वो सबसे धांसू था और बहुत से बच्चों ने फॉलो किया। करीबन गाइस 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने ऑल ओवर महाराष्ट्र से उस वीडियो को देखा है और उन सभी बच्चों ने फॉलो किया है। तो इस वाले प्लान को देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। सो न्यू इंडियन एरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो गाइस। आप सबको पता है कि यहाँ पे मैं साइंस और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस भी लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लाइव ट्यूशन। तो कहीं भी आपको ऑफलाइन ट्यूशन में जाकर के पैसे भर के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल के अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप ध्यान से इसका नाम एकदम याद कर लो, ठीक है। माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं साइंस 1 के 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम आज यहाँ पे कवर करेंगे, साइंस 2 हमारा सेकंड चैप्टर, मैथ्स 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स 2 के इतने चैप्टर इस वीक में आपके हो जाएंगे। मतलब आप काउंट कर सकते हो कितने चैप्टर यहाँ पे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 चैप्टर आप इस वीक में कवर करोगे, क्योंकि थोड़े थोड़े बड़े बड़े चैप्टर भी हैं इसलिए। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग चलो मैं बताता हूँ आप गाइज, यहाँ पे ध्यान दो। क्लास 10th अक्टूबर 8 को कल आप साइंस 2 का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करोगे, जिसमें आप 2 घंटे रीडिंग करोगे और रीडिंग करने के साथ साथ आप वीडियो वॉच करोगे साइमल्टेनियसली। वीडियो की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आई होप जाके आप उन सारी वीडियो को चेक कर लोगे। ठीक है, फिर साइंस 2 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप करोगे अच्छे से, और उसी दिन आपको 1 घंटे 30 मिनट प्लस 30 मिनट रीडिंग और ग्रामर करना है इंग्लिश की। ठीक, ये अक्टूबर 8 का हाल है, आप सबको इसे फॉलो करना है। आई होप गाइज आप इसे फॉलो करोगे। गाइज एक बात बता दूं कि अगर आप शिद्दत से पहले वाले वीक का प्लान अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और अगर बहुत से बच्चों ने फॉलो नहीं किया होगा तो भाई तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी मर्जी आपको क्या करना है। अक्टूबर 9, वैसे अभी से भी आप स्टार्ट करोगे तो कोई कमी नहीं है, अभी से भी स्टार्ट करोगे बहुत फायदे में रहोगे। अक्टूबर 9 की बात करता हूँ, आपको साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो इसमें रीडिंग और एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपने याद किया था, यहाँ पे आप 2 घंटे एक बार कंप्लीट एक्सरसाइज कर लो एंड 1 आवर का रिवीजन कर लो अच्छे से, और उसी दिन आपको हिस्ट्री का 1 घंटा टेक्स्ट बुक की रीडिंग और वीडियो भी आपको देख लेनी है, किसकी, 3rd चैप्टर की, क्योंकि हमने हिस्ट्री के 2nd चैप्टर तक का पूरा कवर कर लिया था पिछले वाले वीक में। ठीक, चलो अब हम अक्टूबर 10 की बात करते हैं। आपको अक्टूबर 10 को मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 कवर करना है। क्या करना है, मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 कवर करना है, जहाँ पे आप लोग को 2 घंटे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 2 घंटे में आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान और चिंदी एक्सरसाइज है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 आराम से 2 घंटे में हो जाता है। और उसके पहले आप बेसिक्स जरूर पढ़ लेना, जो भी मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं, लेक्चर 0 मैंने बना दिया है, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे लेक्चर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मैथ्स 1 बाय न्यू इंडियन एरा, ऐसा डालोगे ना, बाय न्यू इंडियन एरा जरूर डालना लास्ट में, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 का लेक्चर 0 आपको मिल जाएगा। फिर आपको उसी दिन हिस्ट्री का 30-30 मिनट चैप्टर नंबर 3 करने हैं, एक में कंप्लीट एक्सरसाइज, देन क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है हिस्ट्री का। इतना कर लो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका इजीली हो जाएगा। फिर बात करते हैं गाइस अक्टूबर 11 की। अक्टूबर 11 को भी आपको मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 ही करना है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े थोड़े मैथ्स के चैप्टर हैं, मैथ्स के चैप्टर हम निपटा देंगे, उसके बाद हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, और फिर हम लोग मैथ्स 2 की तरफ बढ़ेंगे। पूरा प्लानिंग में हूँ गाइस, जितना बोलता हूँ उतना करते जाओगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। 1 आवर का रिवीजन 2.1 2.2 और 2 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है 2.3 2.4 के, इतने में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, मतलब देखो 1 आवर का रिवीजन क्यों बोला है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे पढ़ रखा है ना,
अक्टूबर 10 को, तो अक्टूबर 11 को रिवीजन कर लोगे तो फायदे में रहोगे ना तुरंत ही, और फिर उसी दिन दो घंटे और बैठ के 2.3 2.4 कर लोगे। समझ में आएगा छोटे? ओके, अक्टूबर 11 की बात करते हैं। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 करना है, एक घंटे बुक की रीडिंग और उसके साथ साथ वीडियो भी आपको देखते रहना है, इस बात को आपको समझ के रखना है। अक्टूबर 12 की बात करते हैं, साइंस टू का चैप्टर नंबर 2 आपको करना है, जहाँ पे आप 2 आवर की वीडियोस देखोगे और टेक्स्ट बुक को रीड करोगे। पढ़ने का तरीका बताता हूँ, बगल में वीडियो ओपन कर लेना और बगल में टेक्स्ट बुक भी रख लेना। मेरी वीडियोस एकदम लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने पढ़ाई है, अगर आप उन्हें देखते हो तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक, लैंग्वेज में आपको मराठी 30 मिनट पढ़ना है एक घंटे तक, 1 आवर की चैप्टर रीडिंग प्लस ग्रामर का सेक्शन आप पढ़ लोगे तो आपका काम 25 हो जाएगा। अक्टूबर 13 की बात करते हैं, साइंस टू चैप्टर 2 ही करना है। क्यों? क्योंकि देखो, साइंस टू का चैप्टर 2 का आपने वीडियो देख ली दो घंटे में, एक्सरसाइज भी आपने एक बार कर लिया, अब यहाँ पे आप रिवीजन कर लोगे। कुछ तो पार्ट आपका रह जाएगा ना, चैप्टर 2 थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा टाइम आपको दे दिया। तो 2 घंटे आपको एक्सरसाइज की रीडिंग और 1 घंटे रिवीजन वापस से करना है, आपका साइंस 2 का दूसरा चैप्टर भी डन हो जाएगा शिद्दत से। फिर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आपको यहाँ पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक दोनों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट में अक्टूबर 14 की, तो अक्टूबर 14 में गाइस मैथमेटिक्स 2 उठाना है और चैप्टर नंबर 1 का सिर्फ 2 घंटे टेक्स्ट बुक रीडिंग, मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं, प्रैक्टिस सेट आपको करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियोस भी सारी की सारी देख लेनी है और 1 घंटे में एक्सरसाइज 1.2 कवर कर देना। अभी हम मैथ्स 2 को थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, बाद में हम इसको कवर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो अभी 1 आवर का आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 और 2 घंटे की वीडियोज आपको पूरी देख लेनी है और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज लर्न कर लेना है, इतना ध्यान रखना है। और गाइस लास्ट में यही कहूँगा कि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। जितना भी यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है पूरा का पूरा, जितना भी वीकली प्लान में देता हूँ, ये सारे सोचो आपके इतने इतने चैप्टर आपके कवर होते हैं। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि शिद्दत से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको नहीं करना है उसके पास 1000 एक्सक्यूज़ हैं, जिसको करना है वो सारे बहानों को पीछे करके आगे बढ़ जाता है। तो आप किस वाले बच्चे हैं, किस टाइप के इंसान हैं वो आपको पता होगा। तो आपको शिद्दत से सारी चीज़ों को फॉलो करना है और जितना भी वीकली प्लान देता हूँ उतना मैंने कभी किसी को दिया नहीं है, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू, सो इसका फ़ायदा उठाओ और बहुत आगे बढ़ो। सभी अपने फ्रेंड्स में इस वीकली प्लान को भेजो, शेयर करो, जिससे कि मेरे को भी उत्साहित बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा लगेगा मुझे सबको, मतलब ये बनाने में, नई नई स्ट्रेटजी बनाने में, मेरी खुद की भी प्लानिंग। गाइस मैंने भी बहुत सारे 91 अचीव कर रखे थे, तो वो भी मैं आपको कैसे अचीव किए थे सब कुछ आपको बताऊंगा, तो सारी प्लानिंग मैं खुद आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे खुद को ऐसा लगे कि मैं जो बता रहा हूँ हाँ लोगों तक पहुँच रहा है, बहुत से लोग देख रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? सो आप लोग को भी ये फॉलो करना है और बहुत आगे बढ़ना है, इतने चैप्टर आपके हो जाएंगे। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को और मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।